हाय फ्रेंड्स, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों, आज एक बार फिर से एनटीपीसी यूपीएल के कुछ संभावित क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेकिन उस क्वेश्चन से जानने से पहले मैं आपको एनटीपीसी यूपीएल के कुछ सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे आएगा, ये एनटीपीसी यूपीएल में जो एग्ज़ाम होगा किस माध्यम से होगा और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कहाँ से आएगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है कि एनटीपीसी यूपीएल सिलेबस 2021। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जैसा कि अगर जो हमारा ट्रेड, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिटर से हैं, मैकेनिकल से हैं या किसी भी ट्रेड से हैं, तो आपका सबसे पहले पार्ट वन, पार्ट टू, यानी कि दो प्रकार से आपका एग्जाम कराया जाएगा। ये है पार्ट वन और ये है पार्ट टू, ठीक है। पार्ट वन में आपके 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चंस, और पार्ट टू में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इस जो 70 क्वेश्चंस हैं, जो 70 क्वेश्चन हैं, ये आपके ट्रेड के अनुसार से आएंगे, जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड के माध्यम से आएंगे। उसके बाद ये जो 50 और प्लस उसके साथ ही में जनरल भी कुछ क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के भी पूछा जा सकता है। और ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें आपका मैथ भी हो सकता है, मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा मैथ, और फिर कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, ठीक है, आपके कुछ जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपके टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस 120 क्वेश्चन में आपका माइनस मार्किंग भी रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा। माइनस मार्किंग कितने पर रहेगा ये भी आप जान लीजिए, 0.25% आपका माइनस मार्किंग रहेगा पर क्वेश्चन पे। तो इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यही सब देख के मैं एनटीपीसी यूपीएल के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बना रहा हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने एग्जाम पहले से भी कुछ वीडियोज मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए गए होंगे और मिल भी गया होगा। और अभी हाल ही में लखनऊ में एग्ज़ाम कराया गया था मार्च में, तो उसका भी कुछ क्वेश्चंस आपको अपलोड किया गया है हमारे अंश एसटी गुरु के चैनल पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस लाया हूं, आइए फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बहुत ही ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां देख रहे हैं, यहां लिखा है जब 1000 वाट के एक हीटर को 200 वोल्ट की सप्लाई पर, यानी कि जब 1000 वाट के, जब 1000 वाट के हीटर को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाएगा तो उसके द्वारा ली गई करंट कितनी होगी, यानी कि करंट कितनी होगी ये आपको बताना है। और इसमें ऑप्शन चार दिए गए हैं, 2.5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4.5 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा इसको आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, हल करके दिखाऊंगा तो कैसे आएगा ये आप जान लीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अगर हमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम देख सकते हैं। जैसे कि क्या पूछ रहा है कि ली गई करंट कितनी होगी, ठीक है, सप्लाई जोड़ी जा रही है वाट, यानी कि तो सबसे पहले हमें पावर ज्ञात कर लेनी है। पावर ज्ञात करने का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं W=V×I, ठीक है, और फिर I=, हमको करंट ज्ञात करना है तो I=, क्या होता है I=W/V। और जैसा कि 1000 वाट हमारा W दिया हुआ है और वोल्ट हमारा 200 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो इसकल टू करके हम यहाँ हल कर सकते हैं, 1000/200 वोल्ट, ये कट गया, 2×2=10, यानी कि 5 एम्पियर की जो करंट हमारी है, 5 एम्पियर की करंट ये लेगी। इसके द्वारा जो साथ में जोड़ा गया हो, कितने एम्पियर का करंट लेगी, 5 एम्पियर का करंट लेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, पहले में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। घरेलू अल्टरनेटिंग वोल्टेज पावर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, जो हमारे घर में एसी वोल्टेज आती है, तो उस वोल्टेज की जो हमारी पावर सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 50 हर्ट्ज, जैसे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, लेकिन यूएसए में अलग है और ये सब जगह पे अलग है। तो हमारी इंडिया की जो बात की जाएगा तो 50% हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है या ऑप्शन नंबर हमारा दो सही है, ठीक है। कितना घरेलू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई जो होती है वह फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक बैटरी जिसका ईएमएफ 15 वोल्ट है और कुल भीतरी रेजिस्टेंस 2 ओम है, ओम की है, और 5.5 ओम के रेजिस्टेंस में 2 एम्पीयर की करंट भेजा जा रहा है, तो बैटरी का पीडी निकालो। पीडी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंट और ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं, हमारा होता है कि I=E/R+R,
ठीक है। तो आर प्लस आर यानी कि हमारा आर क्या रेजिस्टेंस है, और ये आर क्या है, ये 2 ओम का है, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 मान सकते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे ये आप देखिएगा बहुत ही ध्यान से। 15 ये हमारा क्या दिया है 15 वोल्ट, और ये हमारा क्या दिया है 2 यानी कि 2 प्लस 0.5, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे हमारा, इसको जब हम हल करेंगे तो ये जब हल करेंगे हम तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2 एम्पियर करंट क्या होगा हमारा, ये ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब इसी पे हम पोटेंशियम डिफरेंट निकालने की बात हुई है, पीडी और 2 एम्पियर का करंट भेजा जा रहा है, जैसा कि यहाँ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन इनको हम निकाल भी लिए हैं। तो क्या कह रहा है, पोटेंशियम डिफरेंट निकालना है। तो जैसा कि होता है पोटेंशियम डिफरेंट इक्वल टू IR कर सकते हैं, I करंट हमारा कितना हो रहा है 2 और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 5.5, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11 वोल्ट। क्या आएगा 11 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने हल भी कर लिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ये 11 2 एम्पियर और 11 वोल्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हर एक वीडियो में आपको इसी प्रकार से क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि 14 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 14 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होगा। लेड एसिड सेल में जब सेल का पूरा चार्ज हो जाता है, यानी कि जो हमारा लेड एसिड सेल होता है जब वो पूरा चार्ज होता है तब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डॉट डॉट होती है, और जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी ग्रेविटी होती है, यानी कि जब पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है तब उसका लोड कितना होता है, जब फुल चार्ज होती है तब कितना होता है और लो चार्ज होती है तब कितना होता है। तो इसमें आंसर मैं आपको केवल बताऊंगा और थोड़ा सा और भी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि अगर देखा जाए तो जब हमारी फुल बैटरी चार्ज होती है, जब फुल चार्ज होती है तो क्या होता है कि इसकी जो बैटरी कैपेसिटी या ग्रेविटी हम कहते हैं वो 1280 होती है, कितना होती है 1280। लेकिन जब ये लो चार्ज होती है तो यह कितना होती है 1180, कितना होता है 1180। आंसर यही हमारा सही है, 1280 और 1180। अब हम एक सिंपल शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैं इसके एग्जांपल में कुछ बता देता हूं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं हाइड्रोमीटर, इसका एग्जांपल में हाइड्रोमीटर क्या हाइड्रोमीटर को जब फुल चार्ज हम करते हैं, हाइड्रोमीटर जो हमारा होता है फुल चार्ज जब करते हैं इसको हम, तो यह कितना होता है इसकी कैपेसिटी, इसको 1290 होता है। लेकिन जब हाफ चार्ज करते हैं यानी कि आधा जब चार्ज करते हैं तब कितना होता है, जब हाफ चार्ज करते हैं तो यह 1260 होता है, कितना होता है 1260। जब इसको फुल डिस्चार्ज करते हैं तब क्या होता है, जब फुल डिस्चार्ज करते हैं तो इसका जो होता है या 1260 इतना होता है, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि लेड सेल में, यानी कि किसी सेल को जब बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करते हैं तब कितना होता है, और चार्ज करते हैं तब उसकी ग्रेविटी कितनी होती है, जब फुल चार्ज करते हैं तो 1280 होती है और जब लो चार्ज करते हैं तो 1180 होती है। कुछ एग्जांपल मैंने दिया है हाइड्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर को जब हम फुल चार्ज करते हैं तो 1290 होता है और जब हाफ चार्ज करते हैं तो 1260 होता है, लेकिन वही फुल डिस्चार्ज करते हैं तो 1260 के आसपास होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इसमें हाँ और ना में आंसर देना है या हम कह सकते हैं कि सही और गलत में आंसर देना है। तो दोस्तों जैसे कि 5 में देख रहे हैं आप, लिखा है एसी पर चलने वाला 6 वोल्ट का लैंप और 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल पर लगाने से फ्यूज हो जाएगा। तो यह क्या सही है कि गलत, यह हमें बताना है। अगर एसी पर चलने वाला जो हमारा 6 वोल्ट का लैंप है, अगर वह 6 वोल्ट की बैटरी पर, ये बैटरी के टर्मिनल पर लगा देते हैं या लगाने से क्या फ्यूज हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या हमारा आंसर सही होगा, नहीं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एनटीपीसी यूपीएल का जो एग्जाम होता है, हाँ और ना में भी जवाब देने होते हैं, सही और गलत में भी जवाब देने होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी नज़रअंदाज मत करिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। हो सकता है इसमें से आपके कोई भी 2-3 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपके कुछ नंबर्स तो आपको दे के ही जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, चलिए बने रहिए फटाफट। अब 6वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं कि सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस आउटपुट करंट को सीमित लिमिटेड कर देता है, यानी कि सीमित को ही लिमिटेड कहते हैं या
क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस यानी कि अंदर का रेजिस्टेंस जो होता है वह आउटपुट करंट को एक सीमित कर देता है। क्या यानी कि जो सेल के अंदर जो आंतरिक रेजिस्टेंस आउटपुट पर करंट देता है वह सीमित होता है कि नहीं? ये सही ऑप्शन है, सही कह सकते हैं, एक सीमित समय कर देता है, लिमिट कर देता है, लिमिटेड कर देता है। ठीक है, जब सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस आउटपुट जो करंट होता है उसके अंदर, वो जो करंट होता है वह एक सीमित करंट होता है। ठीक है, सीमित कर देता है, उसका कहने का मतलब यही है, ये हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? डीसी सप्लाई पर कैपेसिटर का रिएक्टेंस अनंत होता है। ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, डीसी सप्लाई पर कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वह अनंत होता है। जी हाँ साथियों, अनंत होता है। अब यूं कहें कैसे अनंत होता है तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा सही आंसर है ये सही है कि यह अनंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 100 वोल्ट की अगर सप्लाई देने पर एक 0.1 माइक्रो कैपेसिटर एक माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करता है कि नहीं करता है? जैसे कि दोस्तों, अगर 100 वोल्ट की सप्लाई देने पर एक जो है 0.1 माइक्रो कैपेसिटर है वह एक माइक्रो कूलम जो है वह चार्ज स्टोर करेगा कि नहीं? हाँ और ना में जवाब देना है, तो ये करेगा, इसमें हाँ रहेगा और ऑप्शन यही सही है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, डीसी मोटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती कि नहीं? ये क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में फैराडे का नियम का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर का जो सिद्धांत होता है उस पर लागू नहीं होता है? क्या नहीं होता है? डीसी मोटर में फैराडे का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्टार्टर में कॉयल 230 वोल्ट पर कार्य कर सकती है कि नहीं? ये भी आपको बताना है, जो हमारा स्टार्टर होता है मोटर में वह कॉयल 230 वोल्ट पर कार्य कर सकती है कि नहीं? तो कार्य कर सकती, 230 वोल्ट की सप्लाई पर भी हमारा जो स्टार्टर होता है उसका जो कॉयल लगा होता है वह कार्य कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? रिले ऑपरेटिंग ऊर्जा डॉट डॉट से प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर या सिरोपरी लाइनें या CTPT, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, CTPT, यानी कि रिले में जो रिले होते हैं ऑपरेटिंग ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, CTPT से प्राप्त करता है, CTPT से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? बैकअप सुरक्षा आवश्यक होती है, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट, उपरोक्त सभी। बैकअप जो होता है वह सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, किस लिए आवश्यक होता है? सुरक्षा के लिए। कौन से? इसमें ओवर वोल्टेज के लिए होता है कि शॉर्ट सर्किट के लिए होता है कि ओवर करंट के लिए होता है या उपरोक्त सभी में से होता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, शॉर्ट सर्किट के लिए बैकअप सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? 50 हर्ट्ज यानी कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर मोटर जनरेटर सेट में आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? जो हमारा 50 हर्ट्ज पे जो आवृत्ति होती है यानी कि घूमता है वह मोटर जनरेटर का सेट की जो आउटपुट वोल्टेज होता है वह उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 440 वोल्ट, 495 वोल्ट, 415 वोल्ट या 315 वोल्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 415 वोल्ट। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर जो मोटर जनरेटर सेट में जो आउटपुट करंट यानी कि आउटपुट जो वोल्टेज देता है वह 415 वोल्ट पे आउटपुट देता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, सेम क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन 14 देखिएगा दोस्तों, इसमें सेम क्वेश्चन नंबर 13 का सेम है, लेकिन बस इसमें फर्क इतना है, उसमें आउटपुट हमें वोल्टेज पता करना था, हमें इसमें इनपुट कितना मिल रहा है और आउटपुट तो हमें पता ही हो गया है कि 415 वोल्ट पे हमारा आउटपुट मिलता है 50 हर्ट्ज पे। लेकिन अब 50 हर्ट्ज पे अगर किसी मोटर का जनरेटर जो सेट होता है वह इनपुट उसकी कितनी वोल्टेज होती है वो कितना होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो जो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है फर्स्ट में 380, 480, 580 और 660, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है इसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, 380 वोल्ट की सप्लाई पर इनपुट 50 हर्ट्ज पर हमें इनपुट मिल जाता है, जनरेटर किसी भी मोटर जनरेटर का जो सेट होता है उसमें क्या इनपुट मिल जाता है 380 वोल्ट पर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कैपेसिटेंस धारिता की यूनिट है ओम, फैराड, जूल या हेनरी। तो इसमें ओम हमारा जो है वह धारिता यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है वह ओम धारिता की एक यूनिट है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 78 मोस्फेट आईसी का जो नियमित वोल्टेज होता है वह कितना होता है, +5 वोल्टेज, -5 वोल्टेज, -10 वोल्टेज या +10 वोल्टेज। जैसे कहने का मतलब यह कि तो 78 जो मोस्फेट हमारा आईसी का जो नियमित वोल्टेज होता है वह कितना होता था, जैसे कि मैंने बताया तो आपको यह +5 वोल्ट हम यूज कर सकते हैं, इसकी जो सहन करने की जो क्षमता होती है जो वह 5 वोल्ट तक हो सकती है, कितना हमारा 78 मोस्फेट आईसी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, यूपीएस में बैटरी की क्षमता होती है कितनी होती है, तो 1 घंटे तक 10 एम्पियर, 2 घंटे तक 5 एम्पियर, एवं दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसको बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा यूपीएस होता है, यह हम आप सभी यूज करते हैं, जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं यूपीएस उनके पास ऑलरेडी होता है, ये भी एक इन्वर्टर का काम ही करता है, ठीक है, यूपीएस। तो अब वह कितने देर की क्षमता होती है, कितने करंट बचाती है, कितने करंट देती है, यह हमें कंफर्म करना है। तो जैसे कि यूपीएस हमारा होता है वह 1 घंटे तक 10 एम्पियर करंट और 2 घंटे तक 5 एम्पियर करंट, और ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यूपीएस में बैटरी की जो क्षमता होती है वह दोनों होती है, 1 घंटे में 10 एम्पियर, 2 घंटे में 5 एम्पियर, यानी कि हमारा तीसरा सही है, ए व बी दोनों। 18 नंबर, सूर्य की सतह पर लगभग तापमान है, कितना तापमान है, 24,000, 12,000, 36,000, 6,000 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है यह हमें बताना है। तो दोस्तों 18 नंबर में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही है, ये हमारा आंसर नंबर ये सही है, 6,000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य की सतह से लगभग तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है, यूनिवर्सल मोटर की जो क्षमता होती है वह कितनी होती है, 1/5 HP, 1/200 HP, 1/5000 HP, 1/2000 HP, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब ये है, मैं आपको ज्ञात करके बताऊंगा कि HP को वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1/200 हमारा क्या है, HP है। अब HP को हम पहले डिवाइडेड कर लेते हैं, ये कितने HP के बराबर है। तो सबसे पहले जब हम इसको इसमें भाग करेंगे तो आएगा 0.005 HP, ये हमारा किस में आया, HP में आया। तो अब HP में जब आ गया तो हम जैसा कि जानते हैं कि एक HP बराबर होता है 746 वाट होता है। तो अब लिखते हैं क्या है, 0.005 × 746 वाट, अब स्किल्टू जब करेंगे तो आएगा हमारा 3.73 वाट, यह हमारा क्या आंसर है। अगर वाट में निकालना चाहें तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। मोटर जनरेटर सेट की जो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर जो गति होती है वह कितने RPM पे होती है। ये सब क्वेश्चंस पावर प्लांटों के यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये प्लांट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि UPL में इसलिए पूछे जाएंगे कि UPL जो है वह ज़्यादातर जो भी उसकी UPL के वैकेंसी आती है वह पावर प्लांटों के अंतर्गत ही आती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, इसलिए ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मोटर जनरेटर सेट के 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर गति कितनी होनी चाहिए, 1000 RPM, 1200 RPM, 1500 RPM और 1600 RPM, इसमें कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा भी सही है, 1200 RPM। जो मोटर होती है उसकी जो मोटर यानी कि मोटर जनरेटर की जो सेट होती है वह 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर वह कितनी उसकी जो RPM होता है वह 1200 RPM पर वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं केवल आपके ट्रेंड के अनुसार बताया हूँ, बाकी और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी रहेंगे, उसके साथ में आपके ट्रेंड के अनुसार और रीजनिंग और एप्टीट्यूड यानी कि सारा कुछ आपको बताऊंगा जो भी आप मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आपके NTPC UPL एग्जाम में पूछे जाने के लिए। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना मेल ID सेंड कर सकते हैं, जो कि लखनऊ में जो एग्जाम हुआ था NTPC UPL का, उसका पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा या आपको दे दूंगा, उस मेल के माध्यम से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।